एमपी के रीवा में भूमाफियाओं द्वारा तालाबों की जा रही अवैध उत्खनन, स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां तालाबों को संरक्षित करने के लिए न्यायालय के आदेश हैं। हालांकि भूमाफियाओं के द्वारा सैकड़ों तालाबों का अस्तित्व मिटा दिया गया है, जो बचे हैं उनका मिटाया जा रहा है। नदी नालों, तालाबों और शमशान घाट की जमीन को भूमाफिया निगल रहा है। हालांकि समय समय पर अलग अलग मामलों में जिले के तालाबों को संरक्षित करने के आदेश कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन पंचायतों में सरपंच सचिवों के द्वारा लगातार गहरीकरण के नाम पर मिट्टी बेची जा रही है। ऐसा ही मामला रीवा जनपद पंचायत के विटवा ग्राम पंचायत का है, जहां टिकिया टोला में स्थित प्राचीन तालाब की मिट्टी खोदकर सरपंच के द्वारा बाहर बेची जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि लगातार 2017 से मिट्टी निकालकर सरपंच सचिव अपनी तिजोरी भर रहे हैं। पंचायत में कहीं भी निर्माण कार्य नहीं चल रहा, इसके बावजूद लगातार मिट्टी का दोहन किया जा रहा है और शहर में ले जाकर मिट्टी बेची जा रही है। स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब ग्रामीणों ने भी अपनी आंखें बंद कर ली हैं। ये मिट्टी का क्या मामला है? मिट्टी का विक्रय किया जा रहा है ये सन 2017 से, और कहीं अगर पंचायत में रोड में काम लगा है तो चल के अभी देख लीजिए। नहीं, सरपंच का कहना है कि कहीं नहीं लगा, मैं गांव में कहूँ कि मिट्टी यहाँ से हम बाहर भिजवाते हैं। विक्रय किया जा हमारे बारे विक्रय किया जा रहा है, आज 20 दिन से अभी चल रही है। इसके पहले भी जहाँ जहाँ ये खनाई हुई है पूरा दिख रहा है, ये टोटल JCB से मिट्टी बेची गई है। और खनन का चूंकि पैसा निकाल के हजम कर लिए हैं, तो खनन तो करवाना है, चाहे JCB करे चाहे ट्रक डंपर से, है ना? क्या आपका? मणिशेखर शुक्ला। कहाँ के रहने वाले? इसी गांव के, बिटवा के। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। होटल मन्नू महाराज, एक ऐसा होटल जहां आप पाएंगे हर सुविधा, जैसे गार्डन एरिया, एयर कंडीशनर, कमरे, बेहतरीन खाने की सुविधा और भी बहुत कुछ। पता दिल्ली रोड, सिकंदराबाद, बुलंदशहर। संपर्क करें 7900481418, 7055551418।